बहुत जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 20 से 30 मिनट में पूरा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग आएंगे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ताकि हम लोग हर, ठीक है, हर 9:30 बजे डेली, मतलब 9:30 बजे यहाँ पे मिलते रहें और क्या करें, अपना स्टार्ट करते रहें, ठीक है। चलिए तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलना है क्या कि घेंगा किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। आयोडीन कहाँ पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, नमक में प्रचुर मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आलू खाने की युग, आलू का खाने का जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, मतलब तना होता है कि ऊपरी वाला पार्ट होता है, तो तना होता है। क्या होता है, तना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुवांशिक के जनक किसे माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, जो जिन्होंने कि जो मटर होता है ना, मटर पी, तो उस मटर में इन्होंने क्या किया था कि मतलब उस पे इन्होंने परीक्षण किया था, ठीक है, किस पे किया था, मटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो स्टार्च के, किसके, स्टार्च के होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला, टीका रोग किस फसल से संबंधित है, ठीक है, कौन सा रोग, टीका रोग, ठीक है। टीका रोग जो होता है हमारा मूंगफली से होता है, किससे है, मूंगफली से, ठीक है। मूंगफली देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो मूंगफली से होता है टिक्का रोग, ठीक है, ध्यान में रखना कि टिक्का रोग कैसा किससे होता है, मूंगफली से होता है, ठीक है। फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कि पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए प प्रथम, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फ फल आता है, ठीक है, तो इसके पहले से लेंगे, ठीक है, कि फलों का अध्ययन हम लोग किससे कहते हैं, पोमोलॉजी से, किससे कहते हैं, पोमोलॉजी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 120 दिन। कितने दिन होता है, 120 दिन, जिसको बोलते हैं 4 महीने, ठीक है। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों, देखिए कैरोटीन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, ठीक है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। तो जो हल्दी होता है हमारा, ठीक है, पीला रंग होने का कारण होता है, इसका कारण होता है कुमिन होता है, क्या होता है, कुरकुमिन होता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रकाश की जो चाल है, ठीक है, चाल सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो निर्वात में होता है, निर्वात का मतलब एयर होता है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो चाल है, ठीक है, वो सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सी से, कितना होता है, 3 × 10^8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ये निर्वात में चाल होती है, ठीक है। यदि कोई मीडियम आ जाएगा तो वहाँ पे इसकी चाल घट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है हमारा वो बड़ी आंत में होता है, कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो देखिए एक सामान्य मनुष्य में 4 से 5 लीटर रक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी को खाने योग्य होता है, तो उसका पुष्प वाला भाग होता है, जो फूल नहीं होता है हम उसको खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में
सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ठीक है, वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, O2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का जो, तो लैमार्क बात किया था, लैमार्क इसको बोलते हैं। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविरेस ने किया था। ठीक है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना जो भोजन प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ कमेंट खुला है कि नहीं। कमेंट करके बताइए आप लोग कि मतलब कि एक यदि कोई बच्चा है, शिशु है, क्या है? शिशु है, तो शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक है, शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा। ठीक है, प्लीहा में हमारा जो जो ब्लड होता है ना, वो वेस्ट जो ब्लड होता है हमारा, ठीक है, वो प्लीहा में जाके क्या होता है? जमा हो जाता है, बाद में बॉडी हमारा उसको काम में ले लेता है। कि ठीक है, देखता हूँ मैं एक बार कमेंट। हाँ, कमेंट में थोड़ा सा ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक काम करिए। ठीक है, कमेंट मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग यहाँ से करिए थोड़ा सा। ठीक है, बताइए तो शिशु में क्या, मैंने क्वेश्चन बोला था कि शिशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, जो बेबी होते हैं हमारे, बेबी में हमारे कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? ठीक है, तो बताइए कितनी पाई जाती है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 301। ठीक है, 300। ठीक है, 302 और 250। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, तो बताइए जरा, बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तब तक। ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। क्या फैलता है? रेबीज। ठीक है, कुत्ते कुत्ता यदि काट लेता है तो हमें क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? रेबीज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर कितनी बार होता है? तो 72 बार होता है। ठीक है, तो जिसका भी इससे कम होगा तो वो स्वस्थ नहीं रहता है। ठीक है, हार्ट बीट। अगला है हमारा, तारपीन का जो तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ से पाया जाता है। चीड़ में मतलब कि वो होता है ना, हम लोग के गाँव में बोलते हैं रेड़ी का पेड़, तो उसमें से चीड़ निकलता है, वहां से तारपीन का तेल निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। ठीक है, शरीर में खून की कमी होने से क्या होती है? एनीमिया रोग हो जाती है। एनीमिया, कौन सा? एनीमिया रोग हो जाती है। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, कह रहा है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा था? तो जोहानसन ने किया था। किन्होंने कहा था? जोहानसन ने किया था। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है? तो देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ये प्लीहा में होता है। ठीक है, कहाँ पे? ये रुधिर बैंक का काम करता है, जहाँ पे जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड हमारा वहाँ पे जाके क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, बाद में हार्ट इसे क्या कर लेता है? ले लेता है। ठीक है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किया कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? तो पीयूष ग्लैंड होता है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड होता है? पीयूष, तो उसका नाम है पीयूष। ठीक है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को क्या कह रहता है? तो वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि गाय के दूध का रंग, ठीक है, की मौजूदगी का कारण थोड़ा पीला होता है, तो कैरोटीन उसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। गाजर के नारंगी होने का भी कारण क्या होता है? कैरोटीन ही होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा है। जबड़ा सबसे ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, आप देखेंगे इससे आप लोग मतलब कि सुपारी हो गया, बादाम हो गया, सब कुछ फोड़ देंगे। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता, घुलनशील है तो विटामिन बी है। कौन सा है? विटामिन बी है। ठीक है, इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा के ई, ठीक है, डी ए, क्या लिखा? कीड़ा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कीड़ा। ये हमने कीड़ा बना दिया, ये हमने क्या बना दिया? कीड़ा बना दिया। कीड़ा देखिए, हम लोग यदि इसको हम लोग पानी में डालेंगे, कहाँ डालेंगे? पानी में डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? कीड़ा कि पानी ए में ऊपर ही आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कीड़े को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हम सोलूशन में डालेंगे तो घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बचा कौन कौन सा हमारा? एक बी बचा है, ठीक है, एक सी बचा है। ठीक है, तो देखिए विटामिन बी हमारा क्या होगा? जल में घुलनशील होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक ने किया था। कौन किया था? फंक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हमारी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इंसुलिन के कारण यह नियंत्रित होता है। किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो ये सबको पता होगा, शुतुरमुर्ग का, वो खुद बड़ा होता है। ठीक है, खसरा रोग का कारक क्या होता है? तो विषाणु से होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। किसने किया था? कार्लैंड स्टीनर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कह रहे हैं प्रयोगशाला में सर्वाधिक डीएनए का संश्लेषण किसके किसने किया था? तो उनका नाम था खुराना। क्या नाम था? खुराना के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौधी। क्या होता है? रतौधी। कोशिका भित्ति में प्रमुख पदार्थ क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है। कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो फेफड़े को अमोनिया प्रभावित करता है। ये मोस्टली बच्चों में होता है। कहाँ पे होता है? बच्चों में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी। ठीक है, किसकी हड्डी? जांग की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए लार में हमारा टायलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल। गाजर का रंग किस मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, जो विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को। ये बार बार पूछा जाता है रेलवे में, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। दूध को दही में स्कंदित करने के लिए एंजाइम हमारा क्या होता है? रेनिन। क्या होता है? रेनिन होता है। ठीक है, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि कुनेन किस रोग की दवा है? तो ये मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है? मलेरिया। मलेरिया की दवा कुनेन के पत्ते से, पेड़ से लिया जाता है। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितना होता है? 46। और बोलेगी कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पौधे में क्या क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला,
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 होती है। कितने होती है? 23 होती है, सॉरी 23 जोड़ी बोलते हैं उसको, 46 होती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह रहा है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या होता है? तो दूध को दही में बनाने के लिए, ठीक है, दूध को दही में बनाने के लिए हम लोग रेनिन एंजाइम का यूज करते हैं। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत से। सोते समय रक्तदाब क्या होता है? तो रक्तदाब जो हमारा होता है सोते टाइम हमारा घट जाता है। पुष्पों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? स्फिग्मोमीटर। क्या बोलेंगे? स्फिग्मोमीटर। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। एंजाइम क्या है? ठीक है, तो एंजाइम हमारा एक प्रोटीन है। ठीक है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है? तो लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। कौन सा भाग किया जाता है? कार्निया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि मधुमेह की खोज किसने की थी? तो मधुमेह की खोज वेंटिंग और वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। थायराइड ग्रंथि की थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। कहाँ पे है? गला में है।